Ready, to... दुगनी एक कदीम दास्तानी रवायत है जो पंजाबी लोक मौसीकी में इस्तेमाल होती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान अमेरिका, कैनेडा ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में पंजाबी शादियों में गाई जाती है लोक मौसीकी में यह शायर या गवैये की ज़ुबान बन जाती है जो जुगनी को एक मुबसर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने मुशाहदात को मुख्तलिफ़ रंगों में बयान करता है जिसमें कभी मज़ा कभी गम और कभी दिल को छू लेने वाली जज्बा पाए मज़हक़ा खेज अक्सर मुजहका खेज कभी गमगीन लेकिन हमेशा दिल छू लेने वाला मुशाहदा करते हैं रूहानी शायरी में जुगनी का मफहम जिंदगी की असास या जिंदगी का जौहर लिया जाता है आलम लोहार और आलम लोहार के बाद गुलकार और मज़ानगार आशा सिंह मस्ताना जिनका तल्लक इंडिया से था को भी इस शायरी को मकबूल बनाने का सहरा जाता है जिन्होंने इब्तदाई सूफी तहरीर को अवा में मकबूल कर दिया इन गलूकारों के बाद इसे दूसरे गुलकारों ने भी औरत का बयानिया बनाकर गाया और ख़ासी शहरत पाई जिसमें प्रेतो जुगने की तरह पंजाबी नाम है जो मकबूल पंजाब जो मकबूल पंजाबी लोक में औरतों के लिए इस्तेमाल होता है आलम लोहार साहब ने जो जुगनी गाई है इसका आगाज़ मनकबत से इस अंदाज़ से किया है कि यह मनकबत जुगनी से निकलने वाली आवाज़ है इसके बाद बाक़ी जो भी बातें उन्होंने की हैं वो इसी तरह जुगनी की ज़ुबान से हैं मानवी वसत पाकर जुगनी गीतों में किसी शख्स के लिए इस्तारा बन गई ये जहाँ जाती है वहाँ की खसूसियात या अहवाल भी बयान करती है मिसाल के तौर पर जुगनी जावड़ी मुल्तान उथे वडे वडे पलवान मारन मुकी कड़न जान जुगनी जावड़ी कलकत्ते कताबा नचे बंदर खिड़की ओले हसे जुगनी बताती है कि कौन सा इलाका किस तरह का है इसमें ज़रीफाना पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ज़राफ़त मिरासियों के गाने का मकसद भी होता है जुगनी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अठारह सौ सतासी में मलका विक्टोरिया की हिंदुस्तान में ताजपोशी की गोल्डन जूबली से जोड़कर जुगनी को जूबली का बगाड़ बना दिया हालांकि इस गोल्डन जूबली से पहले ही यह गीत और लफ्ज़ पंजाबी जुबान लोक अदब का हिस्सा था गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकदस किताब है वहाँ से मजहबी नोयत के मवाद ने फ़कीरों की बाउंड्री की शक्ल पाई इस जैसी शायरी के माहौल में जुगनी बनी और इसमें मजहबी और सूफियाना रंग झलकने लगा और मज़हब करीब करीब हर संजीदा पंजाबी सनफ में शामिल हुआ और इससे दूर होता गया यही हाल जुगनी का हुआ जुगनी बिल आखिर अपनी बेशतर ख़ूबियों से किनारा कश होती हुई बिल आखिर गीत में एक मटियार बनकर अपनी तमाम गहराई खो चुकी और इस कदर दिलकश है जिस कदर अच्छा माजी होता है जुगनी के बारे में एक और रवायत मशहूर है कि जुगनी का गाना कसूर के दो भाइयों ने तैयार किया था ये अनपढ़ थे जुबली का लफ्स इन के मुँह पर नहीं चढ़ता था चनाचे उन्होंने जुबली को जुगनी बना दिया इन नाम फ़नकारों ने इस जुगनी में पंजाब के तमाम इलाकों की काफत बयान की जुगनी गई मुल्तान यानी जुबली की मशल मुल्तान चली गई जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह ये जुगनी इस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई मलका विक्टोरिया को मरे हुए 100 साल से ज़्यादा अरसा का गुजर चुका है लेकिन इसके बावजूद ये हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में जिंदा है